हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जब धरती कांपी की, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर्यावरण अध्ययन आसपास का पाठ 14 है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ आपदाओं की, जो है भूकंप। भूकंप के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा और आपको यह भी पता होगा कि भूकंप आने से धरती में कंपन होने लगता है, जो यदि तीव्र गति का हो तो वह सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। आइए बात करते हैं गुजरात के कच्छ में आए उस भूकंप की, जिसने कच्छ को काफी क्षति पहुंचाई थी। यह बात तब की है जब गुजरात में रहने वाली जस्मा केवल 11 वर्ष की थी। वह दिन था 26 जनवरी सन 2001 का, जिसमें हजारों लोग मारे गए। भुज में सबसे अधिक नुकसान हुआ। अहमदाबाद में भी सैकड़ों लोगों की जान गई। उस दिन गांव के बच्चे, बड़े, सभी स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में जस्मा का पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। जस्मा और उसके गांव वालों के सभी सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें लगी थी। जस्मा की टांगें भी टूट गई थी। गांव के 6 लोग दबकर मर गए और जस्मा के नाना जी भी मलबे में दब गए। सभी के घर तबाह हो चुके थे। जस्मा के गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मोटा बाबू ने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिनों तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगता रहता था कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो। संस्था से आए लोगों ने तंबू लगाए। सोचो, जनवरी और फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक भी थे, जो यह पता लगाने में मदद करते थे कि कौन से क्षेत्र में भूकंप आने का कितना खतरा है। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट्स भी थे। बच्चों, इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स घर के डिजाइन तैयार करते हैं। इन इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स ने गांव वालों को बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। भूकंप आने पर यदि हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर निकल ना पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। उसे पकड़े रखे ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इसका इंतजार करें। आइए बच्चों, अब कुछ नंबरों के बारे में जानते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के आने पर काम आते हैं। यदि किसी आपदा के आने पर हमें पुलिस को बुलाना है तो हम कौन सा नंबर मिलाएंगे? 100 नंबर, 100। दमकल केंद्र यानी कि फायर ब्रिगेड, आग लग जाने पर हम इन्हें बुलाते हैं तो इनके लिए हम कौन सा नंबर मिलाएंगे? 101 यानी कि 101। और यदि हमें एम्बुलेंस को बुलाना है तो हम कौन सा नंबर मिलाएंगे? 102 यानी कि 102। बच्चों, आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे भूकंप के बारे में तो हमने इस वीडियो में बात की, इसके अलावा बाढ़, आग, सूखा, तूफान। बच्चों, सूखे की स्थिति में वर्षा की कमी हो जाती है, जिससे फसल नहीं उग पाती। इससे किसान ना अपने परिवार को भोजन उपलब्ध करा पाते हैं और ना ही बाजार में अनाज को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। बैंक से लिए कर्ज भी चुकता नहीं हो पाता। सूखे के कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है और बड़ी संख्या में मवेशी भी मारे जाते हैं। तो बच्चों, अब आप सभी को एक काम अवश्य करना है। अखबार में आई विभिन्न प्रकार की आपदाओं की खबरें अपनी पर्यावरण अध्ययन की कॉपी में चिपकाने हैं और अपने अध्यापक या अध्यापिका को अवश्य दिखाने हैं।
ताकि आप जान सकें कि आपदा से किस प्रकार हमारा जनजीवन प्रभावित होता है और इसके बाद हमारे जीवन को सामान्य बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।